बोलना क्या चाहती हो? वो मेरी फ्रेंड वकील है ना, वो मम्मी को बता रही थी कि जो पति लड़ते थे ना उनका चक्कर चलता है कई बार। और तुमने मान लिया? हाँ। मान गई? हाँ। बहुत बड़ा माना था यार, तो मतलब तुम्हारा तो खत्म है बिल्कुल, जीरो आई के लेवल चल रहा है यार, तो है मतलब कुछ कुछ गुंजाइश ही नहीं कुछ किसी बात की है। लोग लड़ाई झगड़ा होने पे डिवोर्स लेते हैं, यार नहीं हुआ तो तुम डिवोर्स लेने लग गई थी मुझसे यार। तुमने तो बिल्कुल भसोड़ी बहुत ही मेरी जिंदगी में, बिल्कुल बुरी तरीके से। चल चल निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, शक्ल मत दिखाना जाओ यहाँ से। क्या कर रहा हूँ क्या, प्यार जता रहा हूँ ना तुम्हारे तरीके से, क्यों अब क्या हो गया, क्या हो गया? मैं समझ गई संजू, मतलब लड़ाई झगड़ा करना प्यार नहीं होता है। नहीं नहीं, तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से तो मैं सबसे ज्यादा प्यार सासू माँ से करता हूँ, भूपेश से करता हूँ, क्योंकि उनसे मैं दिन रात लड़ता हूँ, है ना, जबकि असलियत में तो मैं सबसे ज्यादा प्यार मैडम से करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ जी, क्या है जी, कुछ भी मतलब पूरी बात सुन लिया करो, आदमी फिर निकल जाता हूँ उसे कुछ भी। असली बात यह कि मैं मैडम को बताई कि मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। हाँ लगाओ ना फिर, अभी क्या खाना ही लगाओगी? बस के कंडक्टर की तरह हो गई यार, सफर भी रोज का है, अगला कहीं पहुंच भी नहीं रहा। साजन अग्रवाल की तरफ से मैं अकेमिन मैडम की सारी ऑडियंस को, सारे लवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हरकतें साजन अग्रवाल ने ऑन स्क्रीन की हैं वो आप अपनी रियल ज़िंदगी में बिल्कुल ना करें। ये धारावाहिक सिर्फ आपको हंसाने, आपके जीवन का स्ट्रेस कम करने और मनोरंजन की दृष्टि से हम लोगों ने बनाया, तो उसे वैसे ही इन्जॉय करें और बस यादों में खुश रहें, और हुआ तो फिर मिलेंगे।